हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मैं करने वाली हूँ कुछ अलग सा और बहुत ही मज़ेदार होगा। सो आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों को कलर। तो आप देख सकते हो कि मैंने कलर जो है वो किया हुआ है। पहले थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको एंड्स में। तो ये जो है ये मैंने बहुत टाइम पहले किया हुआ था। ये कलर जो है तब मेरे यहाँ पे होते थे, अब ये बालों के बिल्कुल एंड्स में पहुँच गए। तो इसी से आपको पता लग ही गया होगा ये बहुत टाइम पुराना है। तो आज मैं घर पर ही कलर करूँगी और मैंने कुछ टिप एंड ट्रिक्स देखे हैं तो उसी के हिसाब से मैं करूँगी स्टार्ट। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे बालों को तो मैं नहीं करूँगी। मे बी ये जो मैं घर पे कर रही हूँ ये अच्छा भी हो सकता है और ये बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है। सो इसीलिए मैं जो है थोड़े से एंड्स में करती हूँ। यहाँ मतलब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगी नीचे तक अगर आया तो। और ये भी कि मेरे बाल जो है वो बहुत ही उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और थोड़े लंबे भी है। तो उसीलिए इस पे थोड़े एंड्स पे ही मैं थोड़ा यूज़ करूँगी। तो कलर मैं बताऊँ तो मैंने लाया है दो कलर। एक लाया है स्ट्रिक्स का हाईलाइट विब्रेंट ब्लॉन्ड और एक लाया है मैंने गोदरेज का हनी ब्राउन। ये कलर जो है ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी क्योंकि मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स में देखा ये करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला। सो मैंने सोचा है कि ये दोनों यूज़ करना है। बट कैसे मैं बताती हूँ। ये जो कलर है हनी ब्राउन ये जाएगा थोड़ा सा ऊपर से और जब बालों के एंड से पहुँचेगा तो मैं करूँगी ये वाला। तो चलिए आप जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी जो है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, जो है लाइफ विद शहनाज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं लूँगी एक प्लास्टिक बाउल। लाइट चली गई। सो चलिए देखते हैं। मे बी थोड़ा सा अंधेरा आएगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, लाइट का इश्यू रहता है। दो चीज़ें, एक डेवलपर है और एक क्रीम है। सो इनको मिक्स करना होगा। इंस्ट्रक्शन देखते हैं थोड़ा सा। वैसे मोस्टली पता ही है मिक्स करना फिर लगाना है। 15-30 मिनट्स रखना है ये। ओके, मेरे पास ब्रश नहीं है तो अब मैं क्या करूँगी। हाँ, इसमें होता है, इसका दिखाती हूँ मैं साथ में। इसमें भी है एक डेवलपर और ब्लॉन्डर पाउडर और इसमें है स्ट्रिक्स के कंडीशनर। ओके, इसमें कुछ ऐसा है लेकिन मुझे वो वाले ब्रश चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहे थे मेरे पास। पता नहीं, जब चाहिए होता है तब कोई चीज़ नहीं मिलता, ऐसा आपके साथ होता है, वरना फालतू में 10 बार दिन में हाथ में आ जाता है। तो चलिए इसमें से मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ और सबसे पहले मैं मिक्स करती हूँ। इससे मैं मिक्स करती हूँ। ओके, तो मैंने कर लिया है मिक्स, आप देख सकते हो, और इसकी स्मेल अच्छी है। तो आप जल्दी से ग्लव्स लगाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। होप करती हूँ कि अच्छा हो जाए। अगर ख़राब हो गया ना तो मुझे सारा बाल या तो मुझे दोबारा कलर करना पड़ेगा या मुझे हेयर कट करना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं। एक्चुअली लड़कियों के लिए ना बाल के साथ छेड़छाड़ करना मुझे लगता है रिस्क की बात ही होती है।
अब मैं क्या करूँगी ना, मैं मोस्टली ऐसे पार्टीशन में ही रखती हूँ बाल, तो मैं इसी हिसाब से करती जाऊँगी कलर। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करती हूँ पार्टीशन, करने के बाद भी मैं ऐसे एक पार्टीशन करती हूँ। यहाँ पे मैं बार बार देखूंगी क्योंकि मैंने मिरर को यहाँ पे रखा हुआ है। ओके तो मैं एंड्स को जो है थोड़ा ड्राई छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इन पे हाइलाइट्स करने हैं। तो ये हनी ब्राउन जो है ना, वो मतलब उतना भी गंदा नहीं दिखेगा, अब जो असली है वो उसी पे पता चलेगा। और लाइट गई फिर से, मैं देखूँ कैसे दिख रही हूँ, इतनी काली दिखती हूँ जितनी हूँ भी नहीं, मतलब इतनी काली तो नहीं हूँ। ओके अब मैं लाती हूँ दूसरा पोर्शन। ओके तो मैंने जो है जो हनी ब्राउन है वो लगाया है, तो इसके एंड्स जो है वो मैंने ऐसे छोड़े हैं। अब इस पे हम करेंगे हाईलाइट, और मतलब मैं एल्युमिनियम फॉइल कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है और उसमें काफ़ी ये सारा झंझट, तो मैं ऐसे रैंडमली लगा रही हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है वैसे मैं लगा रही हूँ। अब एंड्स मैंने इसीलिए छोड़े क्योंकि अब ये जो है कुछ बाल पहले हाईलाइट किया हुआ है, तो जो बाकी थोड़े थोड़े बचे उनको मैं करूँगी अच्छे से। और मुझे लगता है अगर आपको अच्छे से हाईलाइट करना है ना, तो इस ऐसे बॉक्स एक तो बहुत ही कम होगा, दो तीन लगेंगे। तो चलिए अभी मेरे पास एक ही है तो मैं उसी से काम चलाती हूँ, बीच बीच में से करती हूँ। ये भी मैं इसी में बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा है, और मुझे लगता है मैंने बाउल भी काफ़ी बड़ा ले लिया है उसकी वजह से सारा, तो भी बहुत कम है, बहुत कम है। एंड्स मैं कहती हूँ एंड्स को जो मेरे बाल के एंड्स को आ जाए काफ़ी है। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने ऊपर के बालों को किया वैसे मैं नहीं कर सकती। तो दिखाती हूँ एंड्स, देख ही सकते हो। सो अब हो गया है कलर, और अब मुझे वेट करना है 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट्स के बाद मैं वॉश करूँगी तब। ओके तो देखिए मेरे एंड्स देख सकते हो, इनको जो मैं कलर किया था। अब वेट कर रही हूँ, फिर मैं हेयर वॉश करूँगी, और हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। आधा घंटा हो गया है, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा
तो आप देख सकते हैं एंड्स जो है दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऊपर के जो मैंने हनी ब्राउन लगाया हुआ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आई थिंक जब धूप में जाते हैं ना तब वो दिखता है अच्छे से। तो अभी रूम में हूँ, अब मैं इनको वॉश करती हूँ और फिर अच्छे से एक बार सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये कैसा लग रहा है। ओके, तो बाल सूखने में काफ़ी टाइम लग गया और आप दिखाती हूँ, देखिए मेरे हाथ हो गए काफ़ी गंदे और फाइनली आपको देखने मेरे बाल देखना है। ओके श्योर ना? 1 2 3 जितना पहले था गोल्डन उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और थोड़े से मैंने कर्ल्स किए ताकि अच्छे से हाईलाइट दिखे। जो ऊपर से मैंने ब्राउन किया है वो कैमरे में ज़्यादा नहीं दिख रहा है आई थिंक, लेकिन जो जब मैं सामने से मैं देख रही हूँ तो हुआ है काफ़ी। और ये देखिए उतना जितना मैंने सोचा था होगा उतना नहीं हुआ है, शायद कलर कम हो गया है, लेकिन जितना हुआ है आई एम सेटिस्फाइड, अच्छा है। तो आप भी मुझे बताना कि कैसी लग रही हूँ। ओके, तो आपने देखा ही होगा मेरे बाल का फाइनल लुक। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको अपने बालों के हिसाब से अगर कम भी होगा ना तो 2 बॉक्स तो मुझे लगता है लगेंगे ही लगेंगे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।